तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएलएम इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल वीडियो प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अलग अलग टूल्स के बारे में बताया जा रहा है। आप सीसीटीवी कैमरे का जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर फायर अलार्म सिस्टम, या बिल्डिंग इंटरकॉम, या बायोमेट्रिक्स, या फिर वीडियो डोर फोन, या फिर मोशन डिटेक्टर अलार्म सिस्टम, या पावर सोलर पावर सिस्टम, कोई भी टाइप का आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये कम से कम इतने बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। बिना टूल्स आप कोई भी इंस्टॉलेशन या फिर ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको टूल्स की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपको आज ये सारे अलग अलग टूल्स के बारे में बताया जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये हैमर है, हथौड़ी, जिसमें आपको वुड हैमर यूज करना है। आपको मेटल का हैमर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर है यहां पर, जिसमें अलग अलग वेराइटी के स्क्रू ड्राइवर आप देख सकते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर माइनस में है, यानी कि वायर को कसने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर्स का यूज करेंगे। देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर है। इसके बाद ये टेस्टर है, जैसे कि लाइन, एसी लाइन आपकी एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, उसको आप चेक कर सकते हैं। टेस्टर के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये माइनस प्लस मिनी स्क्रू ड्राइवर है, दोनों साइड इसमें स्क्रू यूज हो सकते हैं। मतलब स्क्रू को आप कसने के लिए माइनस या प्लस दोनों साइड इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीबीट स्क्रू ड्राइवर है ये, इसमें आपको अलग अलग बीट्स मिलते हैं, जिसका यूज आप अलग अलग टाइप के स्क्रूज को कसने के लिए कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज स्क्रू ड्राइवर है। मैग्नेटिक होने से ये फायदा होता है कि छोटे छोटे स्क्रूज कई बार हाथ से फिसल के गिर जाते हैं, अच्छे से बैठते नहीं है। तो ये स्क्रू ड्राइवर आप ले लीजिए, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर। मल्टीबीट और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये कटर है, फिर ये प्लेयर है, इसके अलावा ये डिजिटल मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का यूज करके आप एसी, डीसी, कंटिन्यूटी या फिर ओम, किसी भी टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूटी भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आरएफ, इसके बाद ये नेक्स्ट टूल आरएफ डिटेक्टर है। मोशन डिटेक्टर वगैरह आप यूज कर रहे हैं, या फिर स्पाई कैमरा डिटेक्ट करना है आपको, तो वहाँ हम आरएफ डिटेक्टर का यूज करके टेस्टिंग भी कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। दोनों फायदे होते हैं इससे। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे केबल हम यूज़ करते हैं, सीसीटीवी केबल। तो ये वो केबल है, और ये कैट सिक्स केबल है। ये आईपी में यूज़ होगा या नेटवर्किंग में यूज़ होगा। एज अ ऑप्शन आप केबल साथ में रख सकते हैं। आपको जस्ट टेस्टिंग करनी है कि कोई कैमरा नहीं चल रहा है, तो एक सब्स्टिट्यूट दूसरा केबल आप लगा के देख लीजिए, छोटा सा टुकड़ा, जिस पर अगर ये श्योर हो जाता है कि आपने जो केबल लगाई है उस पर कैमरा चल रहा है, और पहले वाली केबल जो वहां लगी थी वहां पे कैमरा नहीं चल रहा था, मतलब केबल फॉल्टी है। इसके अलावा देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में यूज होने वाले कुछ कनेक्टर्स हैं। यहाँ पर ये आरसीए कनेक्टर है, ये व्हाइट वाला, ये ऑडियो के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये बीएनसी है। देखिए, इसमें वैरायटी है, ये दोनों ही बीएनसी मेल कनेक्टर है। या तो आप ये या ये, दोनों में से कोई भी कनेक्टर आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही बीएनसी है, फीमेल कनेक्टर है, अपोजिट कनेक्टर। आपको यही कनेक्टर यूज करना है जब आप कैमरा इंस्टॉल करते हैं, या तो ये या फिर ये। इसके बाद है ये डीसी कनेक्टर है, इसमें भी आप या तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डीसी कनेक्टर है दोनों ही। फीमेल कनेक्टर आपको कब लगाना है, जैसे कि ये वाली कनेक्टर आप लगा रहे हैं और इसके साथ इसको कपल करना है, तो आप ये लगा सकते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है, और ये RJ45 कनेक्टर है। कैट सिक्स केबल जब हम लगाएंगे, ये वाली कैट सिक्स केबल में आगे आपको यहाँ पर ये RJ45 कनेक्टर लगाना होता है। जैसे आईपी कैमरा आप लगा रहे हैं या नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे RJ45 कनेक्टर यूज होगा। उसके बाद ये वीडियो बलून है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे सिग्नल वीक हो रहे हैं, आपने गलत केबल इस्तेमाल कर दिए, वहाँ पे कुछ ऐसे लाइन्स आ रहा है या डॉट्स आ रहे हैं, तो बलून्स का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत आप फर्क देख सकते हैं, सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है इससे। ये वीडियो बलून है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये ड्रिल मशीन है, होल करने के लिए आपको यूज करनी है ड्रिल मशीन। ये बीट्स है अलग अलग साइज के यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये सोल्डरिंग आयरन है। कोई भी वायर्स अगर ब्रेक हो गई है, या फिर कोई सर्किट से इंटरनली अगर आप सर्किट को खोलते हैं और आपको कोई भी पार्ट से वायर डिसकनेक्ट दिखती है, सर्किट से निकली हुई या टूटी हुई दिखती है, तो आप सोल्डरिंग आयरन का यूज करके सोल्डर लगा सकते हैं। सोल्डरिंग वायर है, फ्लक्स है। इसके अलावा नेटवर्किंग में यूज होने वाला ये क्रिम्पिंग टूल है। क्रिम्पिंग टूल का यूज हम पैच कॉर्ड के लिए भी करते हैं, पैच कॉर्ड बनाने के लिए, और साथ ही टेलीफोन लाइंस को भी हम क्रिम्प करने के लिए करते हैं। टेलीफोन लाइन में जो आगे RJ11 कनेक्टर लगता है, वो भी इसका यूज करके आप लगा सकते हैं। तो RJ45, RJ11 दोनों ही लगाए जा सकते हैं। ये केबल टेस्टर है, जैसे कि आपने RJ45 कनेक्टर या RJ11 लगा दिया, तो इसका यूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं
कि आपकी केबल आपने अच्छे से बनाई है कि नहीं, कोई केबल में फॉल्ट तो नहीं है, इसका यूज करके आप टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द केबल टेस्टर। इसके अलावा देखिए इंटरकॉम सिस्टम है, टेलीफोन में यूज होने वाले टूल, क्रोन टेस्टिंग टूल है, इंटरसेप्टर भी कहते हैं, इसका यूज करके आप लाइन को टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ये क्रोन पंच टूल, क्रोन बॉक्स को पंच करने के लिए इसका यूज होता है। फिर ये केबल स्ट्रिपर है, केबल को छीलने के लिए यानी स्ट्रिपिंग करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद एडाप्टर और SMPS भी आप अपने साथ रख सकते हैं एज ए टेस्टिंग। तो दोस्तों ये सारे टूल्स हैं जो मैंने आज आपको बताए, तो आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये टूल्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अच्छे से इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं मार्केट में। जैसे अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल ले कर रहे हैं तो उसमें जॉइंटिंग वगैरह लगाने के लिए स्पाइसलिंग टूल हम लेते हैं, या फिर केबल अगर कहीं बीच से कटी है, कहाँ से कटी है वो फाइंड आउट करना है आपको, मतलब केबल टेस्ट करनी है, ट्रेस करनी है, तो उसके लिए आप OTDR टूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा CCTV स्क्रीन आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल होते हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं वो सारे टूल्स। एक्सपेंसिव इन द सेंस तकरीबन अगर मैं स्पाइसलिंग टूल या OTDR की बात करूँ तो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपये तक का एक अप्रॉक्सीमेट उसका बजट हो सकता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेंट पे भी ले सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बट ये जो टूल्स हैं ये सारे कम से कम प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर अप्रॉक्सीमेट अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये तकरीबन सारे टूल 3 से 3,500 रुपये के रेट में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो 3 से 3,500 रुपये में ये सारे टूल्स मिल जाते हैं, इनका यूज़ करके आप फायर अलार्म, CCTV या फिर बायोमेट्रिक्स या इंटरकॉम, टेलीफोन सिस्टम या फिर सोलर पावर, यहाँ पे इन सब टूल्स का ही यूज़ होगा, इनमें से ही कुछ ना कुछ यूज़ होगा। इसके अलावा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी टूल मार्केट से लेकर यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक टूल्स थे जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.glminstitute.com, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9619447939। इंस्टीट्यूट की ओर से प्रोवाइड किए जाने वाले प्रैक्टिकल कोर्सेज CCTV कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, बिल्डिंग इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, वीडियो डोर फोन, मोशन डिटेक्टर अलार्म सिस्टम एंड सोलर पावर सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेस सारे प्रैक्टिकली सिखाए जाते हैं इंस्टीट्यूट में अफोर्डेबल फीस में। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।